डॉग ने ठूस ठूस के रेती पत्थर और जितनी भी ड्राई चीजें हैं अपने पेट में भर ली हैं और इसको पानी पीने मिला ही नहीं है। ये बात है गुजरात के लिटिल रन ऑफ कच्छ की, जहाँ पे कई ऐसे डॉग या तो पानी की कमी से मर रहे हैं या पानी में डूब कर। ये दूसरा केस है मरा हुआ। पिछले 3 सालों में ऐसे ही 113 डॉग्स की मदद कर चुकी हैं राजकुमारी जी। राजकुमारी जी इस रेगिस्तान से सटे ओड़ नामक गांव में एक छोटा सा एनिमल रेस्क्यू चलाती हैं और आसपास के लोगों की मदद से वो इन रेस्क्यूज को अंजाम देती हैं। अब सवाल ये है कि इस रेगिस्तान में जहाँ ना खाने को खाना ना पीने को पानी, आखिर कुत्ते यहाँ पे पहुंचे क्यों? इसका जवाब है नमक। दिल्ली से दुगने बड़े इस रेगिस्तान से हमारे देश का 1/3 नमक आता है। समुद्र से सटे होने की वजह से बारिशों में यहाँ पे ग्राउंड वाटर बहुत खारा हो जाता है। जिन लोगों ने यहाँ पे नमक की खेती करनी होती है वो बारिशों के बाद यहाँ पे पहुँचते हैं, पंप से ग्राउंड वाटर ऊपर लाते हैं और जब सूरज की गर्मी से वो पानी सूख जाता है तो वो नमक को इकट्ठा कर लेते हैं। जब ये लोग यहाँ पे आते हैं तो अपने परिवार के साथ साथ कुछ कुत्तों को भी साथ लेके आते हैं ताकि जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा कर सकें। जब बारिशें शुरू हो जाती हैं तो सारा रेगिस्तान पानी और कीचड़ से भर जाता है और नमक की खेती बंद हो जाती है। तो बारिशें शुरू होने से पहले ही ये लोग अपने परिवार सहित वापस आ जाते हैं और अपने आने जाने के खर्चे को बचाने के लिए अपने सामान को वहीं पे दफन कराते हैं और अपने साथ गए हुए कुत्तों को वहीं छोड़ आते हैं। कुछ कुत्ते तो किसी तरह अपने गांव वापस पहुंच जाते हैं पर अधिकांश कुत्ते वहीं पे फंस के रह जाते हैं, खासकर वो जो वहीं पे पैदा हुए। बहुत से फंसे हुए कुत्ते तो भूख प्यास और गर्मी से ही अपना दम तोड़ देते हैं। कुछ महीने बाद जब मॉनसून आता है और ये पूरा इलाका 5 से 6 फुट तक पानी से भर जाता है तो बचे हुए कुत्ते भी जिंदा ही इसी पानी में दफन हो जाते हैं। इस तरीके डॉग को घर में छोड़ कर आते हैं। ये देखिए, इसने विश्वास किया था कि कोई इंसान साथ देगा। मई के पूरे महीने में राजकुमारी जी वहां पे फंसे हुए डॉग्स का रेस्क्यू तब तक करती रही जब तक वहां पे बारिश हो जाने की वजह से रास्ता जाने लायक बचा नहीं। ऐसा होने से पहले राजकुमारी जी ने जितने कुत्तों की मदद करी वो उससे कहीं ज्यादा की मदद कर सकती थी अगर उनके पास ज्यादा संसाधन होते, ज्यादा सपोर्ट होती। अब ना तो हम नमक खाना छोड़ सकते हैं ना इस क्रूरता को रोक सकते हैं, पर इस क्रूरता के शिकार कुछ कुत्तों की मदद हम राजकुमारी जी के माध्यम से जरूर कर सकते हैं।